कैसी? हाँ जिंदा हूँ, मरी जाती तो अच्छा होता। कैसी बातें कर रही हो? रवि से पता चला के? शुक्र करो कि रवि को अब तक पता नहीं उसके बाप का असली रूप, पता चल जाता तो। अंजना तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ हो क्यों नहीं गया, ऐसी बात का तो अफसोस है। मैं जिसे कल तक देवता समझती थी, जिसकी पूजा करती थी, आज वो एक छल्लाद है, देशद्रोही है। आदेश को अगर मैं फोन पर बातें करते हुए नहीं सुनती तो मुझे पता ही नहीं चलता। शर्मा रही मुझे एक सुहागन होते हुए, शर्मा रही मुझे तुम जैसे आदमी की पत्नी बनते हुए। अंजना और कुछ मत कहो, और मैं सुन नहीं पाऊंगा। देखो अंजना, मैं सारी दुनिया की जलालत बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूं उसके लिए हालात जिम्मेदार हैं। कोई भी गुनाह के रास्ते पर चलना नहीं चाहता, मगर जब एक बार उस रास्ते पर चल निकलता है तो ना तो उसके पास सोचने समझने का वक्त होता है और ना ही होश। मैं भी अपने होश खो बैठा था, लेकिन जब मैंने वापस आना चाहा तो मैं बहुत दूर निकल गया था, इसलिए आ नहीं सका। लेकिन अब आऊंगा। अंजना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा। मेरे अंदर जो पाशा जंग नाम का वैशी पल रहा है, मैं उसका गला घोटूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं अंजना, मुझे एक मौका दो बस। देखो मुझ पर विश्वास करो, मैं अपनी ये गलतियां दोबारा दोहराऊंगा नहीं, एक मौका दो बस। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। अब तुम्हारा ये विश्वास मेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। मैंने पहले भी सोचा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, इस गुनाह की दलदल में गिरने वाला खुद बाहर नहीं निकल सकता, उसे निकालने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है। अब तुम्हारा यह विश्वास मेरा सबसे बड़ा सहारा है, यही मुझे इस दलदल से निकालेगा। अंजना, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ गया, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा सुहाग तुम्हारे माथे की बिंदिया की तरह चमकेगा, कलंक की तरह नहीं। मुझ पर विश्वास करो, मैं पाशा जंग का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा।